भूखा अगर खाना बिल्कुल मांगेगा तो गोली मारो, बिल्कुल अगर कोई चाहेगा कि मैं पढ़ना चाहूं मुझको किताबें दो तो गोली मारो, स्थिति तो वही बनने वाली है। मेरा 6 महीने की पढ़ाई खराब हो गई सरकार की दलित विरोधी नीतियों के कारण। हमारी फीस सरकार ने दी है तो ही हम आगे पढ़ पाए हैं, नहीं तो अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम वो फीस कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जो मास्टर वहां पढ़ाता है वो प्रैक्टिकल में नंबर कम रखता है, हाईस्कूल के प्रैक्टिकल में नंबर कम रखता है, इंटर के में कम रखता है। जाति विरोधी टीचर जो थे वो कुछ बंधे हुए थे, पर लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, दलितों की नब्ज पकड़ में आ गई। जो हायर एजुकेशन है वहाँ तक पहुँचने की जो सीढ़ी है सरकार ने उसको खोखला कर दिया है। बच्चे के सामने कुल मिला के ऐसी परिस्थितियाँ कर दी कि सरकारी कॉलेज तक जा ना पाए और प्राइवेट उनको ले ना पाए और मजदूर बने सिर्फ मजदूर। इन सरकारी संस्थाओं को बेचने के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार पैसा वसूल रही है। सिद्धांत स्पष्ट है कि इस देश को पूंजीपति के हाथ में सौंप दिया जाए, इसको बेच दिया जाए और धीरे धीरे ये संविधान खत्म किया जाए।